अगर आपको भी कंप्यूटर पर काम करने की वजह से, शरीर में पानी की कमी की वजह से या फिर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ज्यादा देर तक फोन की तेज रोशनी जब आपकी आंखों को इफेक्ट करती है तो आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉमन है इंडिया में और ज्यादातर गर्ल्स एंड बॉयज इससे परेशान हैं। अगर आपको स्किन आंखों के आसपास की स्किन डार्क होने लगी है, डार्क सर्कल हैं, आंखों में जलन सी रहती है, आंखों के आसपास रिंकल्स आना स्टार्ट हो गए हैं तो बस 20 डेज तक आपको घर में बनाया हुआ ये सीरम लगाना है और आंखों की सारी परेशानियों को दूर करके आपकी आंखों को काफी तरोताजा कर देगा ये। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है कुकेम्बर यानी खीरा। खीरे के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होता है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हाइड्रेट करता है। इसमें सिलिका नाम का एक तत्व होता है दोस्तों जो कि आपकी डार्क स्किन को साफ करने का काम करता है। इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी स्किन को रिफ्रेश और खिला खिला करने में हेल्प करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कुकेम्बर यानी खीरा लेना है और अच्छी तरह से इसको वॉश करने के बाद में इसको आपने ग्रेट करना है। और ग्रेट करते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी बर्तन यूज करेंगे वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए क्योंकि ये आपकी आंखों का मामला है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक फ्रेश कुकम्बर को अच्छी तरह से ग्रेट कर रही हूँ। और ग्रेट करने के बाद में दोस्तों जब ये पेस्ट कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा तब आपको एक छन्नी की मदद से एक बाउल के अंदर इसका जूस निकाल लेना है। ये काफी ज्यादा हेल्दी होता है, स्किन को रिफ्रेश करता है। हीरे का रस आप चाहें तो अपने स्किन के ओपन पोर्स की प्रॉब्लम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर खीरे का रस हमने तैयार कर लिया है। अब खीरे का रस तैयार करने के बाद में आपको एक बॉल अलग से लेना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो यूज करना है ये है एलोवेरा जेल। आपको यहाँ पर एक चम्मच एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। एलोवेरा जेल दोस्तों आपकी रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स इन सभी में काम करता है जो कि आईज के लिए काफी बेनिफिशियल भी है। अब यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ बादाम रोगन शिरीन। ऑलमंड ऑयल आप यूज करेंगे क्योंकि ऑलमंड ऑयल बेस्ट होता है आपकी आंखों की सारी थकान और अनहेल्दी स्किन को दूर करने के लिए। तो एक चम्मच यहाँ पर आप डाल देंगे ऑलमंड ऑयल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ये कुकेम्बर का जूस ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर लगभग 3 चम्मच आप डालिए और इसको मिक्स करते जाए तब तक जब तक ये कुछ इस तरह की सीरम की शक्ल में नहीं आ जाएगा। अब ये प्रॉपर तैयार हो गया है और बहुत ही ज्यादा इसकी कंसिस्टेंसी भी लिक्विड है। आप इसको रोल ऑन में डाल के भी यूज कर सकते हैं या फिर जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी एज अ स्प्रे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बनाने के बाद में आप किसी इस तरह के कंटेनर में इसको डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर इसको डाल रही हूँ। ये एक स्प्रे कंटेनर है जो कि यूज करने में बहुत ही इजी होगा। एंड गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत सा स्प्रे तैयार हो गया है जो कि बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। और इसको यूज करने का प्रॉपर तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। जब आप रात में सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो आप आंखों के आसपास के स्किन को पहले साफ कर लीजिए, ताजे पानी की छींटे दीजिए। उसके बाद साफ करने के बाद में इस स्प्रे को आंख बंद करके अच्छे से आंखों में स्प्रे कर लीजिए। ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है और बहुत ही इजिली ऑब्जॉर्व हो जाता है। आप चाहें तो फुल फेस पर भी यूज कर सकते हैं। ये स्किन को काफी हेल्दी बनाएगा, क्लीन बनाएगा। आप इसको ट्राई करना। 20-25 डेज के अंदर आप देखोगे कि आपकी आंखों के जो हल्के हैं वो आपकी आंखों के जो घेरे हैं वो थोड़े हल्के होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ट्राई करना और फीडबैक जरूर शेयर करना। थैंक यू।